पकड़ने के बाद गला दबाच के कहने लगा, जाति का है इसको ऐसा सबक सिखाओ, ऐसी निशानी दो कि जिंदगी भर ना भूले। ये सर 18 तारीख की सुबह के 10:30 बजे की घटना है सर। मेरे को फ़ोन करके बुलाया गया है विशाल राणा ने कि मेरे पास 10 मिनट के लिए आ जाओ। तो मैं उनके पास पहुंचा तो सर उस पर उसने बोला कि थोड़ा काम कर दे मेरा, ये 3-4 गिलास है इनको उठा के धोल दे। मैंने धोले तो धुलने के बाद मैं जैसे पानी लेने के ले गया तो सर उसमें उन्होंने शराब स्वरूप डाल रखी थी गिलास में, तो मेरा पैर लग गया उस गिलास पर। तो उसने टिंकू नाम लड़के ने मेरी आँख पर एकदम मुक्का मारा सर। कोई बात नहीं, मैंने कहा क्यों मार रहे हो भैया, कहने लगा कोई बात नहीं अभी पता लग जाएगा। उन्होंने 3-4 जनों ने सर मेरे को पकड़ा, पकड़ने के बाद गला दबाच के कहने लगा, जाति का है इसको ऐसा सबक सिखाओ, ऐसी निशानी दो कि ज़िंदगी भर ना भूले। उन्होंने सर मेरे माथे पे तेजाब से त्रिशूल बनाया सर, मैं बहुत ही तड़फा, फिर भी उन्होंने मेरे को नहीं छोड़ा। फिर कह रहे इसकी आँख में भी डाल दे, जो को कल को नहीं पता लगी कि जो किसी को बता ना सके, देख ना सके, इसको बढ़िया निशानी दो। कौन कौन लोग हैं वहाँ पर? वो सर मौजूद वहाँ पे विशाल राणा था और मैं जानता हूँ सिर्फ टिंकू था और 4-5 लड़के, तो उनका नाम मैं सर नहीं जानता हूँ सर। ये मैंने SSP यहाँ कप्तान के वहाँ कल दी है, इसका भी कोई लाभ नहीं है। इससे भी प्रशासन ने हमारी कोई मदद नहीं की है, प्रशासन यानी कि हमारी मदद नहीं कर रहा है। हम प्रशासन के बार बार चक्कर काट रहे हैं, प्रशासन हमारी कोई बात भी नहीं सुन रहा है। कभी बोलते हैं इधर चल जाओ, कभी बोलते हैं उधर चल जाओ। प्रशासन यानी कि उन्हीं की तरफ से खड़ा हुआ है। हम कुछ नहीं है, हम छोटे लोग हैं, छोटे लोग हैं, इसीलिए हमारी प्रशासन नहीं सुन रहा है। हम 4-5 दिन हो गए हम पास चक्कर काट रहे हैं, लेकिन प्रशासन हमारी कोई बात ही नहीं सुन रहा है। देखिए, इस प्रकरण में जाँच की गई जिसमें आरोप लगाया था उस व्यक्ति ने कि उसके ऊपर एसिड लगा दिया कुछ दोस्तों ने, तो जांच में ये बात प्रकाश में आई है कि यह व्यक्ति अपने 2 दोस्तों के साथ होली के दिन शराब पी रहा था और शराब पीने में तीनों ने एक दूसरे के साथ रंग लगाया, जिसका रिएक्शन तीनों के चेहरों पर हुआ है और मेडिकल हम तीनों व्यक्तियों का कराया तो किसी में भी एसिड का होना नहीं पाया गया है। और तफ्तीश हमने की तो ये पता चला है कि जो आदेश है, इसने 10,000 रुपये अपने मित्रों से उधार लिए हुए हैं, उस उधार पैसे को ना देना पड़े इसलिए उसने मिथ्या और झूठ आरोप इन लोगों के ऊपर लगाए थे। इसमें जो भी आगे की जांच होती है उसके आधार पर हम लोग कार्रवाई करेंगे।